हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजन सिंह के ऊपर। और आज है सैटरडे का दिन और बहुत सारी धूप निकली हुई है, तो पीछे देख रहे होंगे सारे कपड़े आज घर के धो लिए गए हैं और धुल के जो है रखे हुए हैं सूखने के लिए। और हम लोग भी धूप में बैठे हैं, सारे लोग धूप सेंक रहे हैं ताकि बहुत दिनों से धूप नहीं निकली थी तो थोड़ी जो है धूप लग जाएगी। विटामिन डी का सोर्स होता है, तो सब लोग जो है बैठे हुए हैं बाहर ही धूप सेंक रहे हैं। और धूप को देखते हुए मन भी हो रहा है कि कहीं निकल चलें घूमने। मम्मी तो बहुत एक्साइटेड है। और ये देखिए मम्मी जो है अचार बना रही हैं। तो धूप में मिर्च का अचार बन रहा है, इसमें मसाला ये भरा जा रहा है। और ये यहाँ रखा जा रहा है। इसमें क्या क्या मसाला लगता है? इसमें मसाला ज़्यादा नहीं है, इसमें है हींग, राई, सौंफ, काला नमक और हल्का सा जो है वो क्या कहते हैं, हींग, राई, नमक और सौंफ और काला नमक, ज़्यादा नहीं है। ये तीसरे दिन तैयार हो जाता है खाने फिर के। तीसरे दिन बाद इसे यूज करो। और ये तीखा होता होगा बहुत? नहीं, ये तीखा नहीं होता, इधर के भाषा में चिड़पिड़ी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं होता ये। ये तीसरे दिन पराठे के साथ, चावल दाल के साथ, मालपुए के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अपना खा सकते हो, सब लोग खा सकते हैं इसे। अब इसमें तेल भी डाला जाएगा? हाँ, तेल की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा तेल डालते हैं। तो तीन दिन क्या धूप में सुखाया जाएगा? नहीं, एक दिन बस, अभी धूप लगा रहे हैं और कल हल्की सी धूप लगेगी, परसों नहीं भी धूप में रखो तो खाने लायक तैयार। इसको ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता, लाल वाले मिर्ची को एक साल तक रख सकते हैं, इसको तीसरे दिन से खाना स्टार्ट कर दो। और कितने दिन में खाया जाता है? तीसरे दिन नहीं, नहीं, कितने दिन तक ये चल पाएगा? ये तो चलने को महीना दो महीना तक चल जाएगा, लेकिन एक साल तक नहीं चलता है। एक साल नहीं चलता, दो तीन महीने में ख़त्म करना पड़ता है। हाँ, ये कच्चा होता है, अभी डालो, अभी खाओ, आलू पराठे के साथ चावल डाल के खाओ, पराठे के साथ खाओ, किसी भी चीज़। और ये जार जो है इसमें भर के रखा जाएगा? हाँ। और दिन भर तीन दिन सुखाया जाएगा? तीन दिन नहीं, आज और कल दो दिन सुखाया जाएगा इसी डिब्बे में, बंद बंद ही बंद ही रखो और धूप में इसको सुखाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ। और ये डिब्बे के अंदर जाने लगे बेचारे मिर्च तैयार हो बेचारे मिर्च हैं कि बेचारे हम लोग हैं। वैसे तो संडे का दिन और पापा गए थे योगा करने, देखे सुबह सुबह 10 बजे तक आज योगा किया, और ये भी आज दौड़ने गया था, तो आज सारे लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो मम्मी भी बहुत फिट हैं, सब्जी सुबह सुबह ही खरीद लाई मार्केट से, सब्जी ले आएगी गाड़ी धो धो कर आएगी। ये दोस्तों सब्जी का रेट पता करते हैं, क्या है सब्जी, कैसे है सब्जी तुम्हारी, क्या क्या है? गाजर 1 किलो 20, गाजर 1 किलो 20 दे रहा है, लेकिन मंडी में 2 किलो आ रही है 10 की, ये यहाँ सीधे डबल लेता है, इसकी तीसरी मंजिल मकान खड़ी हो गई है। और ये सेम है 20 रुपये, ये देता है 40, ये पालक है 10, ये देता है 20, और मेथी 15 की 2 गड्डी, ये दे रहा है 15 की 2 गड्डी, एक गड्डी मतलब 250 ग्राम, आधी किलो। और प्याज कैसे दिए? 40 रुपये, 40 रुपये बहुत महंगी है प्याज, 30 लेकिन दिया इसमें 40। और टमाटर? टमाटर टमाटर 1 किलो 20, 1 किलो 20, और अदरक 10 250, 40 को दिया। और ये फूल गोभी 50, और बंद गोभी 40 रुपये। कितना दिया तूने? ये भी तीसरी मंजिल है ना बिल्डिंग। आज भी दोस्तों संडे के दिन बहुत तेज धूप निकली हुई है, सब लोग धूप ले रहे हैं बैठ के, और खाली दिन जा रहा है बिल्कुल, आज कहीं भी नहीं निकले, कुछ भी नहीं किया, आराम कर रहे हैं संडे के दिन पे बैठ के। और एक और स्पेशल काम होता है, जब भी धूप निकलती है तो ये
तेल जो है ये पिघल नहीं पाता, जनरली ठंडे में जो है ये जम जाता है, तो इसको धूप में रख देते हैं तो ये पिघल जाता है और फिर उसके बाद बालों में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैसला हो रहा है, तो पापा मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम्हें 100 रुपये डेली मिलेंगे जाके मार्केट से लेके आना है, मम्मी के लिए 10 गुना, मेरे लिए सिर्फ 100 रुपये। मम्मी तो चार सब्जी वाला आता है, चार किलो उससे सबसे लेती है। नहीं सब्जी बाजार से। बताइए दोस्तों सुबह आपको मैंने जो है ठेले पे सब्जी के रेट वगैरह दिखाए ही थे कि कितनी महंगी हो गई है सब्जी, 100 रुपए में किसी आम परिवार का जो है सब्जी का खर्चा पर डे का कैसे चल पा रहा है। अगर आप दोस्तों सोच रहे होंगे इतनी सारी प्याज क्यों काटी जा रही है, तो बता दूं कि ये प्याज के पकौड़ी बनने के लिए इतनी सारी प्याज जो है काटी जा रही है। आज प्याज के पकौड़े नहीं बनती, करेले का भरवा बनने जा रहा है। कैसे बनती है भैया प्याज की पकौड़ी? प्याज की पकौड़ी हरे वाले प्याज की बनती है, इससे भी बनती है, इससे बनती है लेकिन अच्छी नहीं बनती। इतना इतना पकौड़ी कौन खाएगा इतने प्याज का? क्या तो करेले का भरवा बनने जा रहा है, उसमें बहुत प्याज लगता है। हाँ करेले का बनेगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। दोस्तों संडे को एक अच्छी बात होती है कि कभी कभी मेरा दोस्त गुड़गांव से आता है, तो उसी के लिए शाम में जो है मैं वॉक करने निकल पड़ता हूँ। तो चलिए फिर दोबारा से आपको मैं मिलाता हूँ अपने दोस्त से आया हुआ, तो एक लंबा वॉक करते हैं बस बेसिकली। ये देखिए पांडे अपना दोस्त घूमते जा रहा है इधर उधर भटक रहा। देखिए ये है मेरा दोस्त, सैटरडे संडे में कभी कभी आ जाता है 2 हफ्ते में गुड़गांव से, तो बाहर निकलना हो जाता है वरना तो मैं घर पे ही रहता हूँ। तो आज मैं अपने पांडे दोस्त से मिलाता हूँ, प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पांडे दोस्त अपना कैमरा सही निकला, कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा कैमरे पे, शर्म आती है मुझे, तो इसलिए जो है वो नहीं आना चाह रहा, तो इसलिए मैंने जो है सोचा अब क्या मिलाऊँ, फिर जब उसका मन होगा खुद ही मिलेगा। क्या अगली बार मिलेंगे? हाँ। अगली बार मिलेंगे, अभी बेचारा शर्मा रहा है, कह रहा आज मैं नहा के नहीं आया हूँ, तो इसलिए कैमरा पे नहीं आना चाह रहा। चलिए फिर ऐसे ही पैदल घूमता हूँ मैं। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग पैदल चलते हैं, ये जो रोड वगैरह आप देख रहे हैं खाली, ये सब ग्राउंड हुआ करता था, पूरा जंगल हुआ करता था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे जब से मैं आगरा में रह रहा था। अब जो है 10-12 साल बाद ये थोड़े दिन बाद जो है और पॉश इलाका बन जाएगा, अभी तो अब देख रहे हैं कि कॉलोनीज वगैरह डेवलप हो गए हैं, वरना ये पूरा जो है जंगल हुआ करता था, कोई इधर आना भी नहीं चाहता था, डर के मारे कोई नहीं आता था। आसपास बहुत डेवलपमेंट भी हो गई है, ये छोटे छोटे मॉल खुलने लगे हैं अपने 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ये ट्रेंड्स है उधर, ज्वेलर वाले और भी ढेर सारे शोरूम आ गए धीरे धीरे। मेरा वाला एरिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो भी डेवलप हो ही रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस रोड मॉल, क्रॉस रोड। दोस्तों निकलते हैं घर की तरफ और मेरा दोस्त भी जो है निकल गया है, वो देखिए हम लोग रोड जो है यहाँ से बदल जाती है, वो देखिए।